जनाब। वालेकुम अस्सलाम। और जनाब कैसा ना हुआ? मैं आपके पास अपने बेटे के रिश्ते के लिए आया हूँ। माशाल्लाह मेरे बेटे बहुत पढ़ी लिखी है और बहुत खूबसूरत भी है। अगर ये आप रिश्ता कबूल कर ले तो बहुत अच्छा होगा। मेरी बेटी आपको किसी भी शिकायत का मौका नहीं देगी। आप रिश्ता मान लीजिए। मैं 10 लाख रुपए लगाऊंगा शादी में। जो भी हो सकेगा मैं अपने बेटे को सब कुछ दूंगा। देखिए भाई साहब, मैं बात करता हूँ साहब। मुझे 20 लाख रुपए तो और चाहिए और मुझे दहेज भी चाहिए। लड़की खूबसूरत भी ना हो तो कोई बात नहीं, बस मेरा मुँह मांगा दहेज दे दो। भाई मुझे माफ़ करना, मैं इतना नहीं दे सकता। मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। मालिक आपसे कोई मिलना आया है? हाँ हाँ भेजो। अच्छा, पता नहीं कौन कौन आते रहते हैं, सारा दिन परेशान कर। अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं आपके पास अपने बेटे के लिए रिश्ते के लिए आया हूँ। वालेकुम अस्सलाम। किसी ने बताया मेरे बारे में आपको? हमें पता चला है कि रिश्ते के लिए आया हमारे पास। पहले बात तो यह है, हमें सब जानते हैं हम कितने करोड़पति हैं। आपके हैसियत तो हमसे बहुत कम है, लेकिन चलो फिर भी कोई बात नहीं। 50,000 रुपये भी दूंगा और मुँह मांगी भी दूंगा, चीज़ें दूंगा। लेकिन मेरे बेटे को इतना सा भी दुख नहीं होना चाहिए। मेरे बेटे को इतना सा भी घर का काम नहीं आता, सारे काम नौकर करता है। अगर उसके फ्रेंड आए आपके घर पे तो उसे कुछ मत कहना, लड़के हो चाहे लड़की। अगर ये सब बात मंजूर है तो रिश्ता पक्का। मेरी इकलौती बेटी है वो, उसे इतना सा भी दुख नहीं होना चाहिए। और तो बारे माने में तो सब जानता हूँ मैं। एक बार आप मेरे बेटे को देख लो। हमें नहीं देखना आपके बेटे को। आपने रिश्ते के लिए हाँ कर दिया, यही बहुत है। हम बहुत खुश हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक बात और सुन लो कान खोल के मेरे बेटे पे रोक, और सुन लो कान खोल के मेरे बेटे पे किसी भी रोक टोक मत करना। अगर मेरी बेटी रात को घूमने को कहे तो उसे घुमा के ले आना, मैं गाड़ी दूंगा तुम्हें। अगर मेरी बेटी को कहेगी तो मुझे यहीं पर रहना है तो आपका बेटा भी यहीं रहेगा। शर्तें मंजूर है तो रिश्ता पक्का हो गया। सुनो,